तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.14 ऑफ क्लास 10th साइंस फ्रॉम चैप्टर 2nd एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में हमें क्या कहा गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एलुमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सम अदर सॉल्यूशन सॉल्ट्स अवेलेबल कैन बी ऑल्सो बी टेकन। नाउ चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज़ डिस्टिल्ड वाटर ओनली। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमें कहा गया है कि आपको कुछ सॉल्ट सैंपल्स लेने हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके अलावा भी आप कुछ और सॉल्ट सैंपल्स ले सकते हैं। उसके बाद में इनकी सॉल्युबिलिटी हमें चेक करना है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। उसके बाद में हमें कहा गया है कि चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच ऑफ द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। अब हमें इन सभी सॉल्ट सैंपल्स की पीएच आइडेंटिफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है। और उसके बाद में हमें बताना है कि विच ऑफ दी सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इनमें से कौन से सॉल्ट एसिडिक नेचर के हैं, कौन से बेसिक नेचर के हैं और कौन न्यूट्रल है। इसके अलावा हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। इन सॉल्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से एसिड और बेस की हमें रिक्वायरमेंट हुई, ये भी हमें बताना है। एंड देन लास्ट में कहा गया है रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4, जो कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो वहाँ पर आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हमें सबसे पहले कुछ सॉल्ट सैंपल्स लेने हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, उनकी पीएच बतानी है और वो कौन कौन से एसिड और बेस से मिलकर के बने हैं हमें ये बताना है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को मैंने एक टेबल के अंदर जो है इंक्लूड कर लिया है। इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, तो देखिए हमारे पास में ये सारे सॉल्ट्स जो हैं एक्टिविटी के अंदर बता रखे थे। अगर हम इनकी सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो है वो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल है। यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है। नाउ मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होगी कि सर नॉर्मल वाटर और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर करवाऊंगा कवर, एंड के अंदर वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप कंप्लीट वीडियो को देखें विदाउट स्किप करें। मैं तो मैं बात कर रहा था सॉल्युबिलिटी की। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल है। पोटेशियम नाइट्रेट के लिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्शनली सॉल्युबल लिख रखा है। एक्सेप्शनली का मतलब यहाँ पर है कि पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इनकेस हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ये अच्छी जो है सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी इसकी, और लो टेम्परेचर पर ये इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। नाउ एल्युमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, ठीक है। उसके अलावा जिंक से लेकर के जितने भी नीचे जिंक सल्फेट से लेकर के जितने भी नीचे सॉल्ट लिखे हुए हैं ये सब के सब सॉल्युबल होते हैं। अगर इनकी पीएच की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, बोथ ऑल फोर सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर। और अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो इसकी पीएच वैल्यू हमें मोर देन 7 देखने को मिलेगी, जो कि हम बेसिक नेचर के अंदर कंसिडर करेंगे। देन सोडियम एसीटेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, इन तीनों सॉल्ट की पीएच लेस देन 7 है, यानी कि ये एसिडिक नेचर के होंगे। यहीं अगर हम बात करें कि इनमें इनको बनाने के अंदर कौन कौन से एसिड और बेस की हमें रिक्वायरमेंट हुई है, तो एक एग्जांपल से मैं देख के समझाता हूँ। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड जैसे कि हम यूँ लिखते हैं, अब ये बना कैसे है, ये प्रोडक्ट जो है ये निकला कैसे। तो हमारे पास में दो रिएक्टेंट थे, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है और NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एसिड है और ये एक बेस है। नाउ स्टूडेंट आपको याद होगा हमने प्रीवियस एक्टिविटीज़ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक वीडियो जो है मैंने बनाई है और उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है, और उसी में मैंने आपको बताया कि जब एसिड और बेस जो है वो ऐड होते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर आउटपुट जो है प्रोडक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सॉल्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम HCl को और NaOH को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है NaCl के साथ मिलके हमें सॉल्ट देगा NaCl, और जो रिमेनिंग यहाँ पर H और OH है ये मिलकर के बनाएंगे H2O कॉल्ड वाटर।
तो इस तरीके से जो ये है रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसिड और बेस होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ एसिडिक सॉल्ट बनते हैं कुछ बेसिक। तो अगर आप उस वीडियो को जाकर के देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका डायरेक्ट लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। एंड मैं रिकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट को कि एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली उस एक्टिविटी को जरूर देखिए, उसके अंदर आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि उसके अंदर ही मैंने आपको बता रखा है कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनको हम तीन कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एसिडिक सॉल्ट, देन सेकेंड वन इज़ द बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो है हमने उस एक्टिविटी के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जैसे कि पूछा जा सकता है कि एसिडिक सॉल्ट कौन सा है इनमें से, इनमें से बेसिक सॉल्ट कौन सा है और इनमें से जो है न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आप पीएच के हेल्प से तो आप बता ही दोगे कि ऊपर वाले चार जो है वो न्यूट्रल हैं, ये एसिडिक है, और नीचे वाले तीन बेसिक हैं। बाकी ये जो है हमें पीएच एक और बात बताती है कि इन एसिड और बेस में कौन सा बेस और कौन सा एसिड जो था वो स्ट्रोंग था, ठीक है। और अगर न्यूट्रल का हमारा केस बन रहा है तो कौन से एसिड और बेस सेम कंसंट्रेशन के थे। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि HNO3 और KOH से ये मिलकर के बना है, यानी कि ये दोनों एसिड और बेस जो हैं वो सेम पावर के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर आप देखोगे HCl और NaOH सेम पावर के, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनकी पीएच आती है 7। तो आई थिंक कि जो है ये सारी डिस्कशन आपको समझ में आया होगा पर्टिकुलर इस एक्टिविटी के बारे में। अब जो है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर के बारे में भी बता देता हूँ। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डिस्टिल्ड वाटर है क्या। सो डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर दैट डज नॉट कंटेन एनी आयंस, इट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा ये क्लियर कर लेना कि द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ वाटर इज नॉन एज डिस्टिल्ड वाटर। नाउ डिस्टिल्ड वाटर हैज़ अ न्यूट्रल पीएच, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने डिस्कस किया उसके अंदर वाटर की जो पीएच वैल्यू है उसके अंदर मैंने एक रेंज बताई थी, उसमें हम एग्जैक्ट पीएच जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर ये क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि प्लेस टू प्लेस वाटर जो है वो वरी करता है। बट अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि डिस्टिल्ड वाटर की पीएच क्या होती है, तो बेटा डिस्टिल्ड वाटर की पीएच जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है 7। यहाँ पर हम लिखेंगे पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑलवेज 7, उसे हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ विच मीन्स इट इज़ नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, नहीं ये एसिडिक होता है नहीं ये बेसिक होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। अब कुछ जो है बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि कैन वी ड्रिंक डिस्टिल्ड वाटर और कैन वी मेक डिस्टिल्ड वाटर एट होम। तो इनके आंसर भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि ये जो बेसिकली ये बनता कैसे है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए जो नॉर्मल वाटर है उसको आप हीट करिए, बॉईल करिए उसको, और उसको आप इतना ज़्यादा बॉईल कर दीजिए कि उस वाटर से आप वेपर बनाना स्टार्ट कर लो। नाउ ये जो वेपर बनेगी वाटर से, इस वेपर को आपको फिर से कंडेंस करना है, कूल डाउन करना है। जब आप वेपर को कंडेंस करोगे तो वो फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका कंडेंस्ड लिक्विड निकला है इसे ही हम एक्चुअल में डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसे पिया जा सकता है ना, ड्रिंक करने के लिए, नॉर्मल ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है। बट ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, इसके अंदर मिनरल्स मिनरल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ तो ख़त्म होती ही है, इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होने के साथ में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अगर हम इनको पियेंगे भी तो ये हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल क्या रह जाएगा, H2 के मॉलिक्यूल रह जाएंगे, H के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रह जाएंगे, इसका कोई टेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम डेफिनेटली इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं, बट इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा और ना ही ये हमें कोई बेनिफिट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट, ह्यूमन बॉडी को मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर से वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो था हमारा कंप्लीट डिस्कशन था अबाउट एक्टिविटी 2.14, एंड आई होप कि आपको जो है ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। इन केस इफ़ यू वांट टू डाउनलोड PDF देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।